Good morning, student. Student, today I will teach you direct and indirect narration, part 4. If you have not seen part 3, then firstly you see part 3. After that, you can easily understand it. Okay? And one thing more, you have to revise whatever I taught you in previous video, means on the basis of narration, it is beneficial for you. So now today we will study, if reporting verb will be in past tense, then reporting speech tense will change according to rule. So यदि reporting verb क्या होगा आपका पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर टेंस इस प्रकार होते हैं, बदलते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, अगर बेटा रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है तो टेंस कैसे बदलेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका है द प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट टू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अब बदला क्या है, डायरेक्ट देखिए एक आपका है इसे रामू से, चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, रामू ने कहा कि चंदन बहुत मेहनत करता है। देखिए रामू से चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, अब यहाँ पे बेटा आप देखते हैं क्या इंडायरेक्ट स्पीच में रामू सेड दैट, देखिए ये कनेक्टिंग कनेक्शन दैट का प्रयोग करते हैं किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। अगर असर्टिव इसका होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो आपका ये दैट कनेक्शन है यहाँ पर नहीं लगाते हैं, बल्कि और रूप लगाते हैं, वो हम बताएंगे आगे आपको क्या लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है रामू, रामू क्या है, रामू से दैट चंदन वर्ल्ड मेरी हार्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पास्ट टेंस बदल गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो रामू सेड दैट चंदन वर्क वेरी हार्ड। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, उसने मुझसे कहा था कि मैं पत्र लिखता हूँ। अब देखिए इसी को लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट He wrote a letter. यहाँ पर ही क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर they told me that he was I को बदलने के लिए इसमें he wrote a letter. So I hope that it has been clear to all of you. Now we will see further. See student. Now we will study the present continuous tense changes into the past continuous tense. कब होगा, जब reporting verb आपका past tense में होगा तो। Now see example, प्रतीक से सत्यजीत is working hard. प्रतीक ने कहा कि सत्यजीत क्या है, बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइम को बदलेंगे, प्रतीक सेड दैट सत्यजीत वाज वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वाज क्यों लगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बिकम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू हैव टू सी केयरफुली द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ओके बेटा देखिए यहाँ पर आगे डायरेक्ट में क्या है, सी सेड, जैसे एग्जांपल है सी सेड चिल्ड्रन आर ईटिंग एप्पल्स, सी सेड चिल्ड्रन आर ईटिंग एप्पल्स। नाउ सी डायरेक्ट में क्या होगा, सी सेड दैट, इस यहाँ पर सेड हम नहीं बदले हैं, क्यों नहीं बदले, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में जैसे सी सेड टू मी तो आदिक नहीं है, अगर होता सी सेड टू मी तो वहाँ पर टोल्ड हो जाता, इसलिए यहाँ पर सेड है सिर्फ, इसके बाद में क्या है आप लिख नहीं, इसलिए हम सेड को सेड ही रहने देंगे। ओके
सी सेड दैट द चिल्ड्रन वर ईटिंग एप्पल्स। यहाँ पर क्या था, आर था और यहाँ पर हो गया वर। पर क्यों हुआ, क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बिकम पास्ट कंटीन्यूअस, यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है ये पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। कब, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। तो अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तित नहीं करते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया पहले, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सी फर्दर नॉट डी स्टूडेंट सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। नेहा सेड, नेहा ने कहा नुपुर हैज डन हर होमवर्क। ठीक है, नेहा ने कहा कि नुपुर ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, या मतलब कि समाप्त कर लिया है, यू कैन से बहुत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेहा सेड दैट, कंडीशन लगाएंगे आप। ठीक है, सेड दैट नुपुर हैड, यहाँ पर हैज था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नुपुर हैड डन हर होमवर्क। ओके, उसको दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए डायरेक्ट He said to me, you have written a letter. Now see, indirect, he told me that. अब इसको हम क्या करते हैं, told me that, you को किसमें बदलने के, बेटा मैंने आपको बताया था कि I और B जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अब जहां हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं यू, तो वह किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, अब मी क्या है, आप देखिए किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब इस मी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो कि आपका है सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलेगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, he told me that I had, me को I बदलने के, I had, क्योंकि me, I क्या होगा, क्योंकि me का me क्या होता है, ऑब्जेक्टिकेशन किसका, I का, और इसका सब्जेक्टिकेशन हो जाएगा, I हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सब्जेक्टिकेशन लिखना है me को, तो यहाँ पर हम me नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। ठीक है, I had written a letter, he told me that I had written a letter. So student, I hope that it has been also clear to all of you. Now see further. Now students, see, we will study the present perfect continuous tense changes into the past perfect continuous tense. Okay. Pritham said, Ramesh has been reading for 2 hours. So this is the reporting verb in past simple tense, which past tense, and this in past present perfect continuous tense. अब ये present perfect continuous tense में है, इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे indirect बनाते समय। ठीक है, हम indirect बनाते समय क्या करेंगे, past perfect continuous tense में बदलेंगे। देखिए जैसे क्या है, Pritham said that Ramesh had, यहाँ पर had था, ये हो गया had, had been reading for 2 hours. Likewise second example आपका क्या है, indirect चिंटू सेड टिंकू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या हो जाएगा, चिंटू सेड दैट टिंकू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। सो स्टूडेंट, आई होप दैट इट हैज बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स, द टॉपिक विल बी सेम बट वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक, पास्ट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सो वी विल डिस्कस इट फर्दर। Thank you for watching me, and I have a suggestion to you all of you, that you have to see this video twice and thrice for better understanding.